Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss the chapter number 6, components of food. In previous chapter we study about sources of food. In this chapter we will discuss components. भोजन बनता किन किन घटकों से है. तो चलिए guys, lessons को study करने से पहले जो main topics points हैं जो इस chapter के अंदर हम discuss करने वाले हैं वो है की कॉन्सेप्ट में कॉमन कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के घटक, बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज. ये सभी जो पॉइंट्स हैं गाइस, आगे जब आप सेवन्थ क्लास के अंदर एंटर करेंगे, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा सिक्स टू सेवन्थ में, तब भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी. तो इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, इसी साल आप इनसे तैयार करें अच्छे से. लेट्स डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू सस्टेन. इट्स वेरियस कंपोनेंट हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ईटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस. जो लिविंग बींग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू सस्टेन. हमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए क्या जरूरत होता है, भी एनर्जी की आवश्यकता होती है. एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? फूड प्रोवाइड करवाता है. इट्स वेरियस कंपोनेंट हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. इसके जो अलग अलग प्रकार के घटक हैं वो हमें वृद्धि करने में और हमें स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं. ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन सभी कंपोनेंट को, इन सभी घटकों को क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं. और ईटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इन न्यूट्रिएंट्स को, इन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में खाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है. तो व्हाट इज न्यूट्रिशंस? ईटिंग ऑल न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस, एंड द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दैट प्रोवाइड अस, दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, अभी कौन कौन से घटक होते हैं और जो जरूरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, अगर उनमें से एक की भी कमी आ जाए तो कुछ ना कुछ जो डिजीज़ है वो हमें लग जाती हैं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर टॉपिक. न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स आर द एलिमेंट्स ऑफ फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं फूड के, जो कि हमारी बॉडी को, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी जो, दैट हेल्प आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को लाइफ प्रोसेस, पूरी जो जीवन प्रक्रिया है उसे कायम रखने में हेल्प करते हैं. न्यूट्रिएंट्स को जो है कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहा जाता है, जैसा कि हमने स्टडी किया था स्टार्ट के अंदर. दीज आर असेंशियल सेवन, देयर आर सेवन असेंशियल मेन न्यूट्रिएंट्स. जो मुख्य है, जो सात न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं भी? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, फाइबर है, या जिसको रफेज बोलते हैं. ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे पोषक तत्व हैं, ये उचित वृद्धि के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर ऑर्गेनिक फूड. जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल हैं, ये ऑर्गेनिक फूड होते हैं. रफेस एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक फूड. और जो रेशे और जो पानी आता है वो इनऑर्गेनिक आते हैं. और जो डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द मिनरल्स इन आवर डाइट, अगर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की हमारी डाइट के अंदर, हमारे आहार के अंदर कमी आ जाए, रिजल्ट एज डेफिशिएंसी डिजीज़, परिणाम स्वरूप हीनताजन्य रोग हो जाता है, हमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाला रोग हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर इस टॉपिक में. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सो द फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. The food item rich in carbohydrates are the main part of our diet. Beside carbohydrate, rich food are available at cheap rate and in abundance. Carbohydrate जो है वो energy देने वाला, energy का मुख्य source है. तो इस प्रकार का जो भोजन होता है जिसके अंदर carbohydrate प्रचुर मात्रा में होती है, उसे energy giving food बोलते हैं.
ताकत देने वाला, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर द मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो भोजन होता है वो हमारी आहार का मुख्य हिस्सा होता है। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स आर अवेलेबल। इसके साथ साथ क्या होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं वो सस्ते रेट्स के ऊपर और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्क और सेलुलोज। जो मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे भोजन में पाई जाती जाने वाली जो प्रकार हैं वो हैं शुगर के, स्टार्च के और सेलुलोज के। शुगर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज। शुगर हमें कहाँ से मिलता है? भी ग्लूकोज से मिलता है। शुगर केन से मिलता है, गुड़ से मिलता है और फ्रूट से मिलता है। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट की एक जटिल फॉर्म है, जटिल रूप है इसका। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च आर राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो एक्सेट्रा। तो आप कार्बोहाइड्रेट चावल खाकर, व्हीट खाकर, मेज खाकर और पोटैटो खाकर भी ले सकते हैं। सेलुलोज इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्या है, एक जटिल रूप है कार्बोहाइड्रेट का। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रफेज और फाइबरस फूड। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? भी जो रेशे वाले जो भोजन होते हैं उससे मिलते हैं। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और जो मनुष्य है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट नीड अबाउट 10 to 15 ग्राम ऑफ शुगर पर डे। 10 से 15 ग्राम से ज़्यादा शुगर जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती एक व्यस्क को। तो आप मान लीजिए कि एक छोटे बच्चे को तो 4-5 ग्राम से ही काम चल जाएगा। सेलुलोज डायरेक्टली एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। सेलुलोज जो है वो सीधा ब्लड की धारा के अंदर एंटर करता है और जो है रेस्पिरेशन के माध्यम से जो है ऊर्जा प्रदान करता है। एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर एंड स्टार्च कैन रिजल्ट इनटू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। ये हमने पिछले लेसन्स के अंदर पढ़ा था कि अगर आप ज़्यादा शुगर और स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या हो सकती है? भी डायबिटीज़ हो सकती है, मधुमेह हो सकती है, शुगर हो सकती है। इट इज़ अ सीवर डिजीज़। ये पर्याप्त मात्रा में जो कॉमन डिजीज़ है। इट इफ़ डायबिटीज़ लेवल्स इंक्रीज इन अ पर्सन्स बॉडी इट कैन लीड टू डेथ। अगर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर डायबिटीज़ का जो लेवल है वो बढ़ जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आप इस एक्टिविटी के माध्यम से जो है पता लगा सकते हैं कि आपके फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं है। प्रोटीन सेकंड जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट हो जाती है या कोई हमारा फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी के अंदर, या टिश्यूज़ जो हैं नई सेल्स और नए टिश्यूज़ बनते रहते हैं और उनको रिपेयर करना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन से रिच फूड खाना चाहिए। दे हेल्प अस इन द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एज वेल एज हेल्प टू बिल्ड न्यू सेल। वो जो हैं जो डैमेज हो गई सेल हैं और साथ के साथ नई बनने वाली सेल्स के अंदर भी हमारी हेल्प करती हैं कोशिकाओं में। सो द फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसे जो है जो प्रोटीन से भरपूर जो खाना होता है, आहार होता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड पीपल हु आर इल रिक्वायर मोर प्रोटीन। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं उन्हें और जो बीमार व्यक्ति है उसे प्रोटीन से भरपूर खाना जो है खाना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को भी जो प्रोटीन वाले आहार हैं उन्हें खाने चाहिए। प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से किस किस पौधे को खाने से प्रोटीन मिलता है? प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सिस। दालें खाएँ खूब, सोयाबीन खाएं, ग्राम्स खाएं, चने खाएं, पी खाएं, नट्स खाएं, ये आपको खाने चाहिए। और जानवरों से कहाँ कहाँ से मिलता है भाई? एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन्स आर एग, मीट, फिश, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो आप जो शाकाहारी लोग हैं वो दूध खूब पी सकते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है प्रॉपर ग्रोथ करेगी। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड जस्ट एज कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है ऐसे ही फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। द सोर्स ऑफ फैट मे बी ईदर ऑफ प्लांट और एनिमल्स और ईसन। जो
फैट के जो सोर्स हैं, जो साधन हैं, वो पौधों से और जानवरों दोनों से मिलते हैं. फैट गिव मोर देन ट्वाइस द एनर्जी गिवन बाई द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर आप कार्बोहाइड्रेट से रिच भोजन खाते हो और उसके कंपेटिव अगर आप वसा से युक्त भोजन खाते हो, तो आपको डबल एनर्जी मिलती है. अगर घी, तेल, बटर अगर ये खाते हो आप, तो आपको क्या करती है भी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाले उतना ही भोजन खाओ, तो उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी. सोर्स ऑफ फैट कहाँ कहाँ से मिलती है भी. सोर्स ऑफ फैट आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है फैट के सोर्स को. फैट फ्रॉम प्लांट, पौधों से कहाँ से मिलती है भी. मोस्ट फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल ऑयल सच एज मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल और वेरियस नट्स. जो पौधों से जो फैट प्राप्त होती है, वो वेजिटेबल ऑयल्स के रूप में होती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, और जो नट्स होते हैं, जो अखरोट्स होते हैं, बादाम होते हैं, ये हो गए. दीज ऑयल्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. अगर इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, तो ये द्रव अवस्था में होते हैं. दे आर अनसेचुरेटेड फैट. वो क्या होती हैं, असंतृप्त वसा होती हैं. फैट फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कहाँ से मिलते हैं भी. मिल्क, घी, बटर, चीज़, मीट, फिश, एग आर द फैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. जानवरों से किस रूप में मिलते हैं, मिल्क के रूप में, घी के रूप में, बटर के रूप में, चीज़, मीट, फिश, एग एट्सेट्रा के रूप में. एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट कोज ओबेसिटी. ये भी हमने लास्ट लेसन के अंदर स्टडी किया था कि अगर ज़्यादा आप वसा खाओगे, तो आपको मोटापा हो सकता है. दैट रिजल्ट इन हाइपर टेंशन्स एंड हार्ट डिसीजेज. की वजह से आपको हाइपर टेंशन हो सकता है, दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं. दीज आर मोस्टली कोज्ड बाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट रिच इन कोलेस्ट्रोल्स दैट कैन ब्लॉक द बॉडी वेसल्स. ये जो इसकी जो मेन जो रीज़न होता है, वो सेचुरेटेड फैट से जो भरपूर जो भोजन होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रोल के रूप में जो क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो वेसल्स, ब्लड के वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लॉक हो जाता है, जिससे मोटापा आ जाता है. और ब्लड का जो स्ट्रीम है, वो रुक जाती है. विटामिंस, विटामिंस आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी. दो रिक्वायर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट दे आर वेरी वाइटल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बिसाइड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, विटामिन हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी. विटामिन जो है, वो बॉडी के प्रॉपर उचित तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं, पोषक पदार्थ हैं. जबकि इनकी जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, थोड़ी सी मात्रा में होती है, बट दे आर वेरी वाइटल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. पर जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है बॉडी की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनका होना. बिसाइड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से सुरक्षित रखने के अलावा, ये विटामिन जो है हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे टीथ को, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन को कैन कोज सर्टेन डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. जो विटामिन की कमी से जो है निश्चित बीमारियां हो जाती हैं, हो सकती हैं, जिनको डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, जिनको हिंताजन्य बीमारियां कहा जा सकता है. देयर फॉर विटामिन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसी वजह से विटामिन को जो है प्रोटेक्टिव फूड, सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है. तो गाइस, ये जो चार्ट है, इसे आपने अपनी बुक के अंदर प्रिपेयर करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप साइंस पढ़ते जाएंगे, आपको ये चैप्टर काम आता ही जाएगा. सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, कहाँ से मिलता है भी. आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएं, फ्रूट खाएं, बटर खाएं, फिश खाएं. क्या काम है भी इसका, फंक्शनिंग क्या है. कीप्स आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी. आँखों को, बालों को और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है. डेफिशिएंसी डिजीज, हिंताजन्य रोग कौन सा होता है, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधराता हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है. सिम्टम क्या है भी, आँखों के अंदर जो है ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, इम्प्रॉपर विजन और जो दृष्टि होती है वो अनुचित हो जाती है, प्रॉपर हमें दिखता नहीं है, नज़र नहीं आती. तो विटामिन ए के बारे में बात कर ली, अब विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं. सोर्स कहाँ से मिलते हैं भी, इससे जो रिलेटेड विटामिन बी हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है भी. एग से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, अनाजों से मिलता है, और स्प्राउट, जो स्प्राउट होते हैं,
स्प्राउट आपने खाए होंगे, जब आप मूंग को भिगो लेते हैं, अंकुरित जो भोजन होते हैं मूंग को भिगोने के बाद कुछ एक घंटे पड़े रहने के बाद उसमें से तने से जड़े से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको स्प्राउट बोलते हैं। फंक्शन क्या है भी? डाइजेशन। अगर आपने पाचन क्रिया कमज़ोर है तो उसमें आपकी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है? बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। सिम्टम क्या है भी, इसके लक्षण क्या हैं? इन्फ्लेमेशंस ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो नर्व्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और जो डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं। B2 मिल्क और वेजिटेबल से मिलता है। काम क्या है भाई इसके? कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी, स्किन को और माउथ को हेल्दी रखता है। स्किन डिसऑर्डर, बीमारी कौन सी होती है भाई? स्किन का जो है डिसऑर्डर हो जाता है। इरिटेशन ऑफ आईज, आँखों में चिड़चिड़ापन रहता है। इन्फ्लेमेशंस ऑफ टंग, टंग के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। विटामिन B12 सोर्स है मीट। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है जो है उसका निर्माण करती हैं। अनीमिया नाम का रोग हो जाता है। पेल स्किन, त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है। लेक ऑफ स्टेमिना, जो ताकत होती है वो कमी हो जाती है उसके अंदर, और एप्टीटाइट में भी कमी आती है। सी सिट्रिक, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो एक्सेट्रा से मिलता है। काम क्या करता है भी? हेल्प टू रिसिस्ट इन्फेक्शंस एंड कीप टीथ एंड जर्म्स हेल्दी, जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमें बचाता है और हमारे टीथ और जर्म्स जो हैं उनको हेल्दी रखता है। सकरवी नाम का रोग हो जाता है। लूजिंग ऑफ टीथ, दांत गिरने लग जाते हैं। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड, घाव जो है धीरे धीरे भरता है और वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। डी है मिल्क, फिश और एग, और सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन लाइट। तो अगर आप धूप में आधा घंटा घंटा भी खेलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फूड जो है डी के लिए एक्स्ट्रा फूड लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नॉर्मल जो ग्रोथ होती है बोन्स की उसमें हेल्प करता है। रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट और बोन जो हैं वो डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, जो जोड़ हैं और जो हड्डियां हैं उनका ढांचा ही अलग हो जाता है। विटामिन और ई है, ई से, ई कहाँ से मिलता है भी? वेजिटेबल से, ऑयल से, एग से, योक से। एग योक जो है होल ग्रेन्स हैं सभी से मिलता है। फंक्शन क्या है? स्किन को हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है? स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अफेक्टेड, चमड़ी और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन प्रणाली है वो प्रभावित होती है। और सिम्टम क्या है भी? चलने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। के जो सोर्स है वो है स्पेनिएच और कैबेज, पालक और कैबेज। और इसका फंक्शन क्या है भी? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कई बार क्या होता है कि आपको चोट लग जाती है और खून जो है काफ़ी समय तक बहता रहता है जिससे डेथ हो जाती है इंसान की, लेकिन विटामिन के अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो जैसे ही आपको कट वगैरह लगता है, वाउंड वगैरह होता है, तो ब्लड जो है जल्दी ही बहना बंद हो जाता है। इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? हेमरहेज बीमारी हो जाती है। सिम्टम क्या होती है? इफेक्ट क्लोटिंग इन ब्लड, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो रक्त का जो थक्का होता है उसको प्रभावित करता है। विटामिन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। विटामिन्स को मुख्य रूप से क्या है, दो भागों में बांटा गया है। सम विटामिन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इन फैट्स। कई जो विटामिन्स होते हैं वो पानी में घुलते हैं और कई जो हैं वो फैट के अंदर, वसा के अंदर घुलते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, जो पानी में घुलने वाले विटामिन्स कौन कौन से हैं भाई? दीज आर द विटामिन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर सच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो हैं वो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं भी? दीज आर द विटामिन्स दैट सॉल्यूबल इन फैट सच एज विटामिन ए, डी, के, ई। और जो फैट के अंदर जो सॉल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, वो होते हैं ए, डी, के, ई। मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो मिनरल हैं उनका जो उनकी आवश्यकता होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। मिनरल्स रिक्वायर बाय बॉडी हैव बीन क्लासिफाइड एज माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। बॉडी के द्वारा जिन जिन
मिनरल्स को आवश्यकता होती है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वो है एक माइक्रो कम मात्रा में जो चाहिए होते हैं और मैक्रो जो बड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मैक्रो मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू माइक्रो मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल हैं उनको उनकी आवश्यकता जो होती है हमारी बॉडी को माइक्रो मिनरल की कंपैरिजन ज़्यादा होती है। मैक्रो जो मुख्य मिनरल्स होते हैं, दीज इंक्लूड मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। ये इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, फॉस्फोरस है, आयरन है और आयोडीन, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। और माइक्रो मिनरल्स, दीज मिनरल आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो खनिज हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दीज इंक्लूडिंग मिनरल्स सच एज कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और मैगनीज। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं? अभी कैल्शियम है, मिलता कहाँ से है? मिल्क से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथन बोन एंड टीथ, टीथ और हड्डियों को जो है मजबूत करता है। डेफिशिएंसी कौन सी होती है? अभी ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। जो व्यस्क हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है और बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। सिम्टम क्या है? भी ब्रिटल बोन्स, स्टंटर ग्रोथ, वीक टीथ एंड बोन्स। जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा है भी फास्फोस, फास्फोस जो है सेल्स से और पल्सेस से मिल जाता है आपको। फंक्शन क्या होती है? भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, वीकनिंग ऑफ बोन, बोन के अंदर जो है कमज़ोरी आ जाती है। सिम्टम क्या होती हैं? मेंटल रिट्रेडेशंस, वीकनिंग ऑफ बोन्स, मानसिक जो तनाव बढ़ जाता है और जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन है, सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? अभी सोल से, पल्स से और मीट से। हेल्प क्या करती है? भी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करती हैं। और बीमारी कौन सी हो जाती है? भी अनीमिया नाम का रोग हो जाता है। सिम्टम क्या है? भी बॉडी पेल कलर की हो जाती है, पीले कलर की हो जाती है और बॉडी क्या होती है? फैटिग हो जाती है, मोटी हो जाती है और वाइट नेल, और नेल जो है वो क्या हो जाते हैं? भी नीले पड़ जाते हैं। आयोडीन जो है फिश साल्ट से मिलता है हमें। काम क्या है भी इसका? रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी जो ग्रंथि है थायराइड, उसकी प्रॉपर कार्यशैली में आवश्यकता होती है। कमी से रोग कौन सा हो जाता है? भी गाइटर नाम का रोग हो जाता है। सिम्टम क्या है? भी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारी गले की जो ग्रंथि है वो बड़ी हो जाती है और मेंटल रिट्रेडेशन हो जाती है और मानसिक जो है दिमाग के अंदर कमी आ जाती है। सोडियम एंड प्रोटीन, पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम जो है साल्ट और चीज़ से मिलता है। हेल्प काम क्या करता है? भी हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन से रोग होते हैं? भी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है? बॉडी और मसल्स जो हैं वो दोनों ही वीक हो जाते हैं। और सिम्टम क्या हैं? जनरल वीकनेस और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर और आमतौर पर कमजोरी आ जाती है। मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है? भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल और सेल्स। फंक्शन क्या है? रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। जो नर्व्स हैं और जो हमारी मसल्स हैं इनको लगातार काम करवाती रहती हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है? भी मसल्स और नर्व्स के अंदर वीक आ जाती हैं। लूज ऑफ एपिटाइट, जो हाजमा है उसके अंदर कमी आ जाती है। अपसेट स्टमक जो है वो अपसेट रहता है, यानी गड़बड़ होती रहती है पेट के अंदर। जिंक, पी से, बीन से, पीनट से। फंक्शन क्या है? भी स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे बॉडी के अंदर उसको मजबूत करती है और जो सेल डिवीजन है, जो कोशिका विभाजन है उसमें हेल्प करता है। बीमारी कौन सी होती है? भी हीमोफीलिया नाम का रोग हो जाता है और लूज ऑफ एपिटाइट, स्लो ब्लड क्लॉटिंग, ये रोग इसके सिम्टम हैं। फ्लोरीन सी फूड से और चाय से हमें मिलता है। मेक टीथ स्ट्रॉन्ग, दांत मजबूत बनाता है। टीथ डिके एंड वीक बोन्स, टीथ जो हैं दांत गलने सड़ने लग जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है? इंक्रीज इन टूथ डिके, जो दांतों की जो सड़न है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। सिक्स जो इम्पोर्टेंट
न्यूट्रेंट है वो है भाई फाइबर, या जिसको रफेज भी बोलते हैं, रेशे। बिसाइड अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट्स आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड रफेज। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स के अलावा हमारी बॉडी को जो है रेशों की भी आवश्यकता होती है। द फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रफेज। जो फाइबर जो होते हैं हमारे भोजन के अंदर उसे रेशे बोलते हैं। रफेज कम फ्रॉम प्लांट फाइबर इन वेजिटेबल। रफेज जो है वो पौधों जो प्लांट फाइबर हैं उनसे वेजिटेबल के अंदर आते हैं। होल ग्रेन पल्सिस एंड फ्रेश फ्रूट रफेज आर नॉन न्यूट्रिटिव बिकॉज दे आर फॉर्म ऑफ सेलुलोज विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। रफेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्लोइंग वेज। जो पूरे जो दालें हैं, अनाज हैं हमारे, दालें हैं और जो ताज़ा फल हैं, ये क्या हैं भाई, ये रफेज से भरपूर होते हैं। रफेज आर नॉन न्यूट्रिटिव। जो रफेज होते हैं वो न्यूट्रिटिव फूड नहीं होते, क्योंकि ये जो है सेलुलोज का ही एक रूप होता है और सेलुलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। रफेज जो है अनेक तरीक़ों से जो है महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है, निभाता है। सबसे पहला, इट एड्स बल्क टू द फूड। अब भोजन जो है काफ़ी मात्रा में लगता है, वो किसकी वजह से लगता है भाई, रफेज की वजह से। अगर रफेज ना हो फूड में तो भोजन सिकुड़ा हुआ सा लगेगा। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको निकालने में रफेज ही हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बोवल मूवमेंट्स। ये जो कॉन्स्टिपेशन जो है, जो कब्ज है उसको रोके रखता है, उसको कब्ज जो है शरीर के अंदर नहीं होने देता, और जो बोवल मूवमेंट होती है, जो वेस्टेज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे सुचारू रूप से चलाता है। वाटर, पानी। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। पानी जो है हमारे जिम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर का जो है 2/3 भाग जो है वो पानी है। इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इज नीडेड टू एक्सरेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज। ये हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, और जो एक्सरेशन होते हैं बॉडी वेस्टेज के, जो शरीर के जो व्यर्थ बेकार पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में आवश्यक होता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं, उनका एक माध्यम है, माध्यम के रूप में ये काम करता है। अ पर्सन शुड ड्रिंक 8-10 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली। एक व्यक्ति को 8-10 ग्लास डेली पानी पीना चाहिए। इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्जांपल यूरिन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि मूत्र हो गया और पसीना हो गया। इट हेल्प इन सेलुलर फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन एट्सेट्रा। जो सेलुलर फंक्शन है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ से प्राप्त होता है। वी गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक बट ऑल्सो फ्रॉम द फूड वी ईट। ना केवल पानी जो द्रव हम पीते हैं उनसे हमें पानी मिलता है, लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो भी पानी के सोर्स होते हैं। जैसा कि हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में कि फ्रूट जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी ही होता है, वेजिटेबल होते हैं उसमें अनाज कम और पानी ज़्यादा। मिल्क है, जूस है, आर फूड सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद है भाई बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अ डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करें, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है, वो आहार होता है जिसके अंदर जो हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उचित मात्रा में मिल जाएं। बैलेंस डाइट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक एज, नेचर ऑफ फंक्शंस डन एंड जेंडर। जो बैलेंस डाइट होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के अकॉर्डिंग होती है, उसकी एज के ऊपर, जैसे छोटे बच्चों को किस प्रकार की डाइट चाहिए, ग्रोइंग अप को किस प्रकार की चाहिए, और जो एज्ड होते हैं उनको किस प्रकार की चाहिए, और उनका काम जो होता है और उनके जेंडर, स्त्री को किस प्रकार का चाहिए और पुरुष को किस प्रकार का, मेल को किस प्रकार और फीमेल को किस प्रकार का खाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन। जो वृद्धि कर रहा बच्चा है, यानी कि 5-7 साल से ऊपर की जो एज का जो बच्चा है, उसको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेंस एंड नर्सिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन टू सर्व द नीड ऑफ द ग्रोइंग बेबी। और जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है, जन्म दे चुकी माँ है, उसे क्या चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ताकि वो अपने ग्रोइंग बेबी
को सर्व करने की जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अ पर्सन हु परफॉर्म फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी, और एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक काम बहुत करता है उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। और आपने एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ लिया है, हैंस रिक्वायर्ड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरपूर खाना उसे मिलना चाहिए। एन इल पर्सन रिक्वायर मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल टू फाइट डिजीज़, और जो बीमार व्यक्ति है उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा देनी चाहिए ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर इन सफिशेंट क्वान्टिटी, और जो आहार है उसमें उपयुक्त मात्रा में रेशे और पानी जो है होने चाहिए। अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग्स गुड ग्रुप्स, मिल्क, मिल्क ग्रुप में मिल्क आती है, कर्ड आती है, चीज़ आती है, आइसक्रीम आती है, एट्सेट्रा आती है। प्रोटीन ग्रुप में मीट है, बीन्स हैं, नट्स हैं, पीज हैं, एग्स हैं, एट्सेट्रा है। सर्व्स में है राइस है, ब्रेड है, चपाती है, एट्सेट्रा। डेफिशिएंसी डिजीज़, ये भी क्वेश्चन बनता है गाइस कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हीनताजन्य रोग कौन से होते हैं। डेफिशिएंसी इज़ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट कॉज डिजीज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़। जो डेफिशिएंसी है वो एक या दो से ज़्यादा पोषक तत्वों की आहार के अंदर कमी से क्या होता है, भी बीमारी हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिंस एंड मिनरल्स रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़, अगर विटामिन और मिनरल अलग अलग डिफरेंट टाइप के विटामिन और मिनरल के की कमी की वजह से जो है निश्चित बीमारियां होती हैं, जिनको कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द टेबल फर्स्ट एंड सेकंड। दीज डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये जो बीमारियां हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती। ये डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या क्या होता है भी, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट्स रिजल्ट इन लेक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना, ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट में रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड माल फंक्शनिंग्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की आप डाइट के अंदर कमी करते हैं तो उसकी वजह से आपको एनर्जी के अंदर कमी होती है, आपको स्टेमिना के अंदर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, और अगर आप आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको मोटापा हो जाता है और आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो माल फंक्शनिंग हो जाता है, वो भी बेढंगा हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट, अगर फैट की कमी है तो भाई आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, हमारी बॉडी को जो है थोड़ी सी मात्रा में फैट की आवश्यकता होती है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट कोज रफ स्किन, थिन बॉडी एंड वीक आई साइट, अगर आपके भोजन के अंदर फैट की कमी है तो आपकी जो त्वचा है वो रफ हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, आपका शरीर पतला हो जाएगा और आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती जाएगी। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट मेक्स लीवर इन्फेक्टेड एंड मेक अस ऑबीज, और अगर ज़्यादा मात्रा में फैट लेते हो तो वो जो है आपके लीवर को इन्फेक्ट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, अपने काम को करने से बंद रोक देता है लीवर को, और जिसकी वजह से क्या होता है भी मोटापा आ जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट्स, लेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट कॉज इम्प्रॉपर ग्रोथ, शॉर्ट हाइट एंड पुअर मसल्स डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होता है उन्हें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है अपने आहार के अंदर, अगर प्रोटीन की आहार के अंदर कमी है तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, हाइट कम रह जाएगी और जो मसल्स हैं उनकी जो विकास है वो रुक जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड टू डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर, अगर प्रोटीन की कमी है भोजन के अंदर उसकी वजह से क्वाशियोरकर नाम का रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आल्सो कोज मैनी डेफिशिएंसी डिजीज लाइक सकरवी, बेरी बेरी एटसेट्रा, इनको हमने टेबल के थ्रू स्टडी किया था। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, वाटर की कमी से क्या बीमारियां होती हैं, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर नीड टू अ कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन, अगर पानी ज़्यादा शरीर से बह जाए तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं भी, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन कॉज लूज ऑफ साल्ट एंड लीड टू वीकनेस इन द बॉडी, डिहाइड्रेशन की कमी से क्या होता है भी, पानी जो है, पानी के माध्यम से जो नमक है वो निकल जाता है और शरीर के अंदर कमी जो है आ जाती है। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको ORS का घोल बोलते हैं शुड बी गिवन टू अ पर्सन टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की बीमारी से, डिहाइड्रेशन से रिकवर करने के लिए व्यक्ति को क्या देना चाहिए, ORS का
घोल जो है वो देना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन देना चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन इज़ एन अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी। अगर आपको न्यूट्रिशन पोषक नहीं मिलते तो उसकी वजह से एक शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाता है। व्हेन द बॉडी गेट्स लेस देन द रिक्वायर्ड फूड, और जब बॉडी को हम आवश्यकता से कम खाना देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाता है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली। ये एक ऐसी स्थिति है जो गरीब परिवार के बच्चों में आम देखी जाती है। ऑबेसिटी, मोटापा, ईटिंग एक्सेस ऑफ फैट, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लीड टू इंक्रीज इन बॉडी वेट, मेकिंग अ पर्सन ओवरवेट और ऑबीज। दिस इज कॉल्ड ऑबिसिटी। जो आवश्यकता से अधिक वसा और आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है उस वो क्या करती है भाई, बॉडी वेट को बढ़ा देती है और एक व्यक्ति जो है ओवरवेट हो जाता है और मोटा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। एन ऑबीज पर्सन इज प्रोन टू हीट डिजीज, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। एक जो मोटा व्यक्ति है वो दिल की बीमारियों का और हाई ब्लड प्रेशर का घर बन जाता है। ऑबिसिटी इन चिल्ड्रन इज कॉमन नाउ अ डे ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ जंक फूड, पिज्ज़ा, नूडल एक्सेट्रा एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो मोटापा है आजकल बच्चों के अंदर आम देखा जाता है, क्योंकि वो जो जंक फूड हैं, तले हुए जो भोजन हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल वगैरह खाते हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। मिड डे मील्स, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री एंड न्यूट्रिशियस फूड टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अंडर द स्कीम, दिस इज कॉल्ड मिड डे मील। जो सरकार है उसने फ्री में, मुफ्त के अंदर और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको एक स्कीम के अंदर खिलाया जाता है जिसे मिड डे मील कहा जाता है। दैट इज़ द लेसन गाइस, ग्रैब इट ऑल्स बाय वॉचिंग वीडियो अगेन एंड अगेन, बट डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।